इसके पूरा फ्लोरिंग लग जाएगा। ये डॉक्टर जो होती कि बाहर रिफ्रेश होना है, खाने के लिए बैठना है, डिस्कस करना है। बनने के बाद चलेगा कैसे? ये आगे सर तरह से एक इमरजेंसी एग्जिट रखता है, आग वग लगता है, कोई इशू होता है तो हॉस्पिटल का इमरजेंसी एग्जिट यहाँ रखा है। इसके पीछे ऑक्सीजन प्लांट है, सेंट्रल ऑक्सीजन प्लांट है, सारे बेड ओपन है। हाँ ऊपर वाला पेशेंट्स नहीं नहीं सर, ये पर्दा लगा के उधर क्लोज कर। तो पीछे की तरफ उसके पीछे यहाँ पे डोर ओपन हो जाएगा सर यहाँ, और ये यहीं से पास से इस तरफ चला जाएगा। ऐसे ही रोड इधर कंटिन्यू पड़ेगी, इसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर इस बिल्डिंग से। अस्पताल का औचक दौरा किया आपने, क्या पाया? एक कुछ गलत जानकारियों के आधार पे जगदलपुर में एक माहौल बना हुआ था कि महारानी अस्पताल बंद होने वाला है, तो हम लोगों ने विश्वास भी दिलाया था, लोगों को कहा भी था कि बिल्कुल चिंता मत करिए, महारानी अस्पताल यहीं रहेगा और अच्छी सुविधाओं से लैस रहेगा। आज एक जीर्णोद्धार इस अस्पताल का हो रहा है, तो उसी को देखने के लिए आए थे कि लोगों को लोकार्पित हो, उसके पहले अभी क्या स्थिति है। तो कुछ बहुत ही अच्छे गुणवत्तापूर्ण कार्य यहाँ किए गए हैं, आने वाले समय में ये उपकरणों का भी और इस व्यवस्था का भी लाभ जगदलपुर और बस्तर क्षेत्र के नागरिकों को मिले, ऐसी हम लोगों को आशा। डिमरापाल मेडिकल कॉलेज के लिए भी ऐसा बोला जाता था कि वहाँ पर सुविधाएँ मिली जाएंगी, लेकिन आज वो एक रेफर सेंटर की तरह बन के रह गया है। सीटी स्कैन के लिए पेशेंट परेशान होते हैं, रेडियोलॉजिस्ट की भी आपकी कमी थी, अभी रेडियोलॉजिस्ट भी पोस्ट हो गए हैं, तो ये एक के बाद एक दिक्कतें हम लोग जल्दी से जल्दी पूरी करती चलेंगे, और यही हम लोग की जिम्मेदारी है और उम्मीद करते हैं कि कम से कम समय में लोगों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराएं। जिस हिसाब से महारानी हॉस्पिटल का नवनिर्माण हो रहा है, क्या उसी हिसाब से उसी तरीके से डॉक्टर की सुविधाएँ भी उपलब्ध हो पाएंगी आने वाले समय में? पहले हर बार दो चीज़ों की दिक्कत आती थी, एक बजट और दूसरे डॉक्टर्स की उपलब्धता। मैंने जिन जिन से बात किया, नए मेडिकल स्टूडेंट से बात किया, उन लोग का भी ये कहना था कि आप लोग कहते हो कि हमको अच्छा घर मिले या ज़्यादा हमको पैसा मिलेगा तभी हम काम करने के लिए जाएंगे, लेकिन हमारी पहली आवश्यकता है कि उपकरण आप हमको उपलब्ध कराएं। जहाँ हम पढ़ लिख के जा रहे हैं, डॉक्टर की पूरी कोर्स की ट्रेनिंग और उसकी सीख हम ले के जा रहे हैं, और जैसा आपने कहा कि सीटी स्कैन कहीं मशीन है कहीं चलाने वाला नहीं है, यहाँ रेडियोलॉजिस्ट जगदलपुर के महारानी अस्पताल में क्या करने के लिए आएंगे अगर सीटी स्कैन भी आपका उपलब्ध नहीं है? तो वो एक्सरे से ही काम नहीं चलेगा, रेडियोलॉजिस्ट हैं, उनकी जो जो जवाबदारियाँ हैं वो सारे उपकरण अगर यहाँ पर उपलब्ध मिलेंगे तो आप देखिएगा कि उन लोग आएंगे भी। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बाबत भी सहमति दे दी है कि DMF फंड से मानव संसाधन के लिए टॉपअप करके बेहतर पैकेज उपलब्ध कराया जा सकता है, तो टेक्नीशियन से लेके नर्सिंग स्टाफ से लेके डॉक्टर से लेके स्पेशलिस्ट तक, ये व्यवस्था अब हम DMF के माध्यम से भी बेहतर पैकेज देके कर सकेंगे। तो सब काम जब एक साथ होंगे, बेहतर सुविधाएं, उपकरण और बेहतर पैकेज के साथ, तो आपको यहाँ मानव संसाधन भी दिखेगा, डॉक्टर्स भी दिखेंगे, सुविधाएँ भी पहले से बेहतर दिखेंगी, लेकिन निरंतर काम करते रहना होता है। आपने एक बिल्डिंग बना दी तो काम पहला कदम, वो बिल्डिंग के अंदर की व्यवस्थाएँ दिन प्रतिदिन अच्छे से अच्छी चलते रहें, फिर ये जवाबदारी होती है। तो ये तो पहला कदम है, बिल्डिंग को नया स्वरूप देना, लोगों का विश्वास जागृत करना, और उसके बाद में मानव संसाधन लाकर बेहतर सुविधा यहाँ उपलब्ध कराने की हम लोग की पूरी मंशा है।